राम राम जी, आप लोग का स्वागत है दादाजी के ढाबा में। दोस्तों, आज हम आप लोग के साथ शेयर करने वाले हैं प्याज के पत्तों का नाश्ता। बहुत आसान तरीके से बनता है, बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। इसको चाय के साथ भी आप ले सकते हैं और रोटी पराठे के साथ खा सकते हैं, दाल चावल के साथ खा सकते हैं, जब मर्जी। ये ऑल टाइम बनने वाला है और बहुत आसान तरीके से बन जाता है। तो चलिए, खेत में हम सुबह ही प्याज खोद दिए थे और वो तो आप देखे ही है, प्याज का खेत भी देखे हैं आप, खीरा ककड़ी भी तोड़ दिए हैं। अब हमें बाकी है थोड़ा सा मिर्चा तोड़ना है, उसमें मिर्चा डालने के लिए चाहिए। तो चलिए, खेत में जो हम प्याज खोद के रखे हैं, खीरा तोड़ के रखे हैं, उसको ले लेते हैं और यहाँ से मिर्ची ले लेते हैं। तो यहाँ देखिए, ये ककड़ी तोड़ दिए हैं, एक दो खीरा भी था उसको भी तोड़ दिए हैं, और प्याज तो हमें जो चाहिए प्याज, इस पत्ते का जो है ना, पत्ते का बनाएंगे हम पकौड़े। आप चाहें तो प्याज भी डाल सकते हैं। तो अब चलते हैं, ये तो हम खोद लिए थे सुबह ही, अब थोड़ा मिर्ची दे देते हैं। ये कितना बेहतरीन मिर्ची हुआ पड़ा है, तो बड़ा बड़ा देख के ना तोड़ देंगे, छोटा नहीं तोड़ते हैं, बड़ा बड़ा मिर्ची तोड़ते हैं। तो यहाँ मिर्चा भी तोड़ दिए हैं, अब चलते हैं। तो जो प्याज लेकर आए हैं ना, उसका पत्ता पत्ता हम इस तरह से काटेंगे, और इसका भी ये जो पीला पीला पत्ता है, इसको भी इस तरह से निकाल देंगे। देखिए, इसी तरह हम हरा हरा पत्ता निकाल देंगे और पीला पत्ता, जो खराब पत्ता होगा या जो हार्ड पत्ता होगा, उसको काट के निकाल देंगे। और जितना हमें बनाना है प्याज का नाश्ता, उतना हम इसमें से काट देते हैं। है तो बहुत, देख रहे हैं ना, इतना है, देख रहे हैं, बहुत है। इसमें से हमें ग्रीन ग्रीन पत्ता निकालना है छांट छांट के। तो सारा छांट देते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, हम पत्ते भी निकाल दिए हैं प्याज का, जो छोटा छोटा प्याज है ना उसको भी दे दिए हैं। इसको क्या करेंगे, धोएंगे, एक बर्तन में रख देते हैं। इसको एक दो पानी और धो देंगे। इसको इसमें रख देंगे और इसका जो पानी होगा ना, वो बढ़िया से निकल जाए। और ये जो खीरा और ककड़ी जो गए हैं ना, इसको भी धो कर रख देते हैं। इसको भी सलाद के साथ, सलाद बनाएंगे और खाएंगे। खेतों में लग जाता है, बहुत ज़्यादा मिट्टी होता है, एकदम ज़मीन में निकल निकल के, और ये फलता है, इस वजह से मिट्टी इसमें एकदम चिपक जाता है। इसको ही बढ़िया से धो लेंगे। इसे एकदम बारीक बारीक काटना है। इसी तरह सारा प्याज को काट काट के और एक बर्तन में रख देंगे। तो देखिए, बारीक बारीक हमें काट लिए हैं प्याज को। अब इसमें हमें मसाला एक डालना है। तो यहाँ पर हम एक टेबल स्पून लिए हैं जीरा, 6-7 हरी मिर्च लिए हैं। हरी मिर्च अपने तीखे के हिसाब से लें, क्योंकि पकौड़ी थोड़ा चटपटा होता है तो बढ़िया लगता है। और एक गांठ लहसुन है, इसको भी छील के ले लिए हैं। इन मसालों को हम पीस देते हैं, तो आप मिक्सी जार में पीस सकते हैं और सिलबट्टा में पीस सकते हैं। तो हम तो इसको सिलबट्टा में पीसेंगे।
मिर्ची का डंठल तोड़ देते हैं और इसको पीस देंगे दरदरा से, थोड़ा फाइन, बहुत ज़्यादा फाइन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें पकौड़ी में ही डालना है। हल्का सा पानी डालेंगे इस पे, इसको पीस लेते हैं। इसी प्लेट में इसको उठा लेंगे। तो ये मसाला पीस के लेके आ गए हैं, इसको इसी में डाल देते हैं। इसमें डालेंगे 1 टीस्पून से थोड़ा सा ज्यादा हल्दी पाउडर, या 100 ग्राम के करीब इसमें हम चावल का आटा डाल रहे हैं और 100 ग्राम से थोड़ा सा ज्यादा बेसन डालेंगे। ज़्यादा बेसन नहीं डालना है, ये 500 ग्राम का पैकेट है, इसमें से 100 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, मतलब अरारोट चावल के आटे से बेसन ज़्यादा होना चाहिए। चावल को तो हम आटा डालते हैं इस वजह से कि क्रिस्प बने, लेकिन टेस्ट तो पकौड़े में आता है बेसन से ही, और बेसन ज़्यादा भी डालने से पकौड़ा ख़राब हो जाता है या ये नाश्ता ख़राब हो जाएगा। इतना ही डालना है कि बस ये बाइंडिंग हो जाए इसकी। तो जो इसमें प्याज का पत्ता है ना, इसका मॉइस्चर होता है, यही छोड़ देता है इतना पानी कि अपना नाश्ता इसी से बन जाएगा। अगर ज़रूरत पड़े तो एक आधा चम्मच आप डाल सकते हैं। इसमें एक चीज़ हम नहीं डाले हैं, वो है नमक। नमक जब हम नाश्ता बनाएंगे तभी हम डालेंगे। तो इसको ढक देते हैं और दाल चावल के साथ इसको हम खाएंगे। तो दाल चावल चलते हैं बनाने। तो यहाँ देखिए, हम चूल्हा जला लिए हैं और कढ़ाई बैठा देते हैं। अब हम बनाएंगे प्याज के पत्ते का नाश्ता। तो यहाँ पे हम ढक के रखे थे, इसमें हम नमक नहीं डाले हैं नाश्ता में, नमक डाल देते हैं। अब इसको मिक्स कर देते हैं। देखे, बिना पानी डाले ही बन गया ना। अगर हम इसमें नमक पहले डाल दिए होते ना तो ये पूरा पानी पानी हो जाता है। बनाते समय पकौड़ी में नमक डालिएगा, या कोई भी नाश्ता बना रहे हैं जिसमें हरी सब्जियां हो। एक ऐसे पीस गोल गोल बनाएंगे और एक हाथों पे थोड़ा सा पानी लगाएंगे, नहीं तो हाथों पे चिपकता है ये इस तरह से, और ज़्यादा मोटा नहीं बनाएंगे, इस तरह का बनाएंगे पीस। देखते हैं तेल गर्म है कि नहीं। तेल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, ठीक ठाक होना चाहिए, और इसी तरह का हम पीस ले लेके बनाएंगे। ये देखिए, इसको डालते जाएंगे। डालने के बाद आँच को धीरे कर दें। ये देखिए, सबसे पहले हमने डाला था, एकदम बढ़िया से क्रिस्प हो गया है, लेकिन धीरे आँच पे इसको और पकाएंगे, क्योंकि जो तेज आँच पे डालते हैं ना तो वो अंदर तक नहीं पक पाता है। और इसको इसी तरह जो होता जाएगा उसको पलटते जाएंगे इस तरह से। 5-6 मिनट लगता है दोनों तरफ से अलट पलट के बढ़िया से क्रिस्प कर लें। तो ये देखिए, हमारा नाश्ता एकदम क्रिस्प बन के तैयार हो गया है। तेज बढ़िया से निकाल देंगे और प्लेट में डाल देंगे। इसी तरह बाकी नाश्ता को हम बना देते हैं। इसको पकौड़ी भी आप बोल सकते हैं, प्याज का कटलेट भी बोल सकते हैं। भात बना दी हूँ दोस्तों, जल्दी से आ जाइए। हम भात बनाए हैं, दाल बनाए हैं,
लाला जी सब्जी बनाए हैं। भात एकदम गर्मा गर्म खाते हैं तो लगता है नरमा नरम। हांडी भात है। छिपी दे निकाले खाती सब्जी। यहाँ पे है दाल फ्राई गर्मा गर्म। यहाँ देखिए सारा प्याज का पकौड़ी बोलिए, नाश्ता बोलिए, कटलेट बन के तैयार हो गया है। यहाँ दाल चावल के साथ हम लोग खाएंगे तो दाल चावल भी आ गया है। ये क्या बाबा हरा हरा? ये है हरी मिर्च। अच्छा इसकी रेसिपी? इसकी रेसिपी तो हमारे चैनल पे है लेकिन एक मिनट में बन जाता है तो इसको देखना पड़ेगा आप लोगों को। तो ये जो हरी मिर्च का जो हम अचार बनाए एक मिनट में, ये हमारे चैनल पे अपलोड है, उसे भी देख लीजिएगा। तो ये जो आज हम प्याज के पत्ते का नाश्ता बनाए हैं, ये आप लोगों को कैसा लगा? इसको आप सॉस के साथ भी खा सकते हैं, चाय के साथ भी खा सकते, दाल चावल के साथ भी खा सकते हैं, रोटी पराठे के साथ भी खा सकते हैं। तो इसको अगर बढ़िया लगा होगा तो बहुत हेल्दी नाश्ता है, इसको ज़रूर बनाइएगा। तो ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। हमें फेसबुक पर जरूर फॉलो कीजिएगा, हमारा आईडी है दादाजी का ढाबा। और हमें आप लोगों को ये क्या क्या बनाना है वो भी कमेंट बॉक्स में लिख के बताते रहिएगा। तो हम फिर मिलते हैं एक नई और आसान रेसिपी के साथ, जब तक के लिए राम राम जी।